सो हेलो गाइज, इट्स केबी यानी कृष्णा भट्ट। और आज है मेरा कॉलेज का फर्स्ट डे, और आज व्लॉगिंग का भी जो है फर्स्ट डे है। कोई गलती हो जाए तो जस्ट माफ कर देना, फर्स्ट डे ऑफ व्लॉगिंग है। तो देखिए, आज मैं कॉलेज में आपको एक अपने फ्रेंड से मिलाने वाला हूँ, वो खुद एक काफ़ी अच्छा व्लॉगर है। और हाँ, देख लेना आप, कॉलेज जो भी है वो आप गेस कर सकते हो कमेंट में, और जो भी कमेंट राइट होगा मैं उसको पिन करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। और आज का दिन काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है, काफ़ी थका मिलने वाला हो सकता है, लेकिन मज़ा आपको पूरा आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो चलिए चलते हैं सीधा कॉलेज में, लेट्स गो। तो हेलो, अभी हो चुकी है रिसेस ब्रेक, और रिसेस ब्रेक जो है वो है 12:12, और मैं जिसके आपको कुछ किसी से मिलाता हूँ, गेस व्हाट, मैं पता है जो कल यूट्यूबर की बात कर रहा था, जो मेरा एक फ्रेंड है और आप उससे मिले होंगे, प्रेजेंटिंग टू यू वेद पालरिया। यस, ये आपको पता नहीं है, बहुत बड़ा यूट्यूबर है ये, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना चुका है, और मैं इसके व्लॉग्स के लिए खुद बहुत एक्साइटेड रहता था, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाता है ये, और इसके अराउंड 1.3 के सब्सक्राइबर्स है भाई, ये बहुत सही बंदा है। और मैं इसके जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इसको चेकआउट ज़रूर से करना, और इसका इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दूंगा, उसका फॉलो कर देना यार, और मेरा भी फॉलो ज़्यादा करना, मेरा भी फॉलो करते, थैंक यू, थैंक यू भाई, थैंक यू, 150 रुपये दे दूंगा तुझे एक बात में, ठीक है, ठीक है, बाय। ठीक है, तो अभी और एक और छोटे से दो लेक्चर्स बाकी है, वो लेक्चर जस्ट कम्प्लीट होंगे, उसके बाद जाएंगे घर पर, और घर जाते टाइम भी आपको एक मॉन्टेज दे दूंगा, सो गुड बाय। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक, और कॉलेज से मैं जो है वापस आ चुका हूँ। आज का दिन काफ़ी बढ़िया रहा, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किए, काफ़ी ज़्यादा मस्ती की, और जो है काफ़ी ज़्यादा नए नए फ्रेंड्स बनाए, सीनियर से भी इनफैक्ट इंटरेक्शन हुई, और जो टीचर्स भी है काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है, सो टीचर्स से भी मतलब जो पढ़ने में काफ़ी मज़ा आई। और हाँ, तो कभी बना टाइम तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी कभी आपसे बात करूँ। वेलकम बैक, दिस इज़ द डे टू, और डे टू क्या है कि कल एक छोटा सा इश्यू हो गया है, ब्लॉग जो है वो बना है सिर्फ 3 मिनट का, तभी 3 मिनट में मिनी ब्लॉग भी नहीं कह सकते हम लोग उसको, तो आज थोड़ा सा और घूमेंगे और एक्सप्लोर करेंगे, और चीज़ें जो है कैंपस को आपको दिखाने वाला हूँ। तो आज मेरे साथ है मेरा एक दोस्त जिसको आप पहचानती हो, वेद पालरिया एज यूजल, बड़े यूट्यूबर, बड़े लोग, और एक मेरा फ्रेंड है, मिलो इससे, अपना नाम बोलो भाई, नमन। यस, तो नमन है, हम तीनों आज घूमने वाले हैं, और एक फ्रेंड है मेरा, लेकिन वो ज़रा सा बीमार है तो आज नहीं आया है। तो हाँ, अब हम फिलहाल तो हम तीन लोग घूमेंगे, और हम जो अभी मैंने क्लिप दिखाई आपको वो है स्कूल ऑफ साइंस SOS, और हम जो है SOT में पढ़ते हैं, BTech वाले स्टूडेंट्स, तो SOT तो आपने देखी होगी, तो इस बार SOS दिखाएंगे थोड़ी सी, वहाँ पे जो है लाइब्रेरी है, वहाँ पे जिम है, और हाँ जिम के कभी कभी वीडियो दिखा दूंगा, फ्यूचर में देखने को मिलने वाले आपको, और लाइब्रेरी का जो है एक छोटा सा मॉन्टेज दिखा दूंगा आपको, क्योंकि वहाँ पे फोन अलाउड नहीं, ऑफकोर्स, तो शूट नहीं कर सकते वहाँ पे, और पब्लिक भी इतनी, तो हाँ वहाँ पे आपको दिखा दूंगा वीडियो, और देखते आगे और क्या क्या घूम सकते हैं, चलो लेट्स गो। Feel the blood creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason, if they want to... सही में काम कर रहे हो क्या? ए भाई, क्या कर रहा है? काम कर रहा है। और वेद भाई अब, ओह नो, ये तो पोल खुल गई, करो करो काम करो, मिलता हूँ तुम्हें थोड़ी देर बाद। हेलो, वेलकम बैक, हम लोग जो है कुछ इंग्लिश का लेक्चर है, और मैम कुछ रियल में प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं, और अबाउट अ बनियन ट्री, पता नहीं ऐसा तो क्या पढ़ाने वाले, लेट्स सी, वो दिखाता हूँ आपको ट्री कैसा है, वो कुछ अराउंड 1200 ईयर्स पुराना है, और ये मेरा फ्रेंड जो अमन, जो बीमार था आज लेकिन आ गया है वापस, तो चल भाई लेट्स गो, और वेद और नमन ये रहे हमारे आगे चल रहे, बस लेट्स सी।
तो ये रहा वो ट्री जो बनियन टी जिसकी मैं बात कर रहा था, वो मैम जो पढ़ाने वाली उसके बारे में, ये रहा। और नमन भाई क्या हाल चाल? कुछ ज़्यादा यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई उड़ रही है। वैसे अंदर कैसे जाएंगे यहाँ पे, ये तो बंद है। ये रहा वो ट्री, ये कुछ 1200 ईयर्स पुराना है जैसे कि मैंने बताया था, और ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा एरिया कवर कर रहा है, और हमारे कॉलेज का जो है पूरा एंट्रेंस ये कवर करता है। ये देखो ट्री इतना बड़ा है पूरा, उसके बहुत सारी ब्रांचेज बहुत दूर दूर तक जा रही है। तो देखते हैं कहाँ पे सब लोग, ओके ओके सब लोग दिख गए, वो रहे सामने तो दिख रहे हैं आपको, ये रहे सब लोग। चलो वहाँ पे जाते हैं। ओके सब पब्लिक यहाँ पे। हाँ भाई वेद भाई भी अपने ब्लॉग शुरू कर देंगे लगता है, ब्लॉग नहीं स्नैप कर रहे हैं, सीधे 10 मिलियन व्यूज। तो ये रहे सब लोग, ओ माय गॉड, ये हमारी कॉलेज की पब्लिक। हाँ हाँ ये फीचर बोलो पहले, ये कर लो पहले। ये सब लोग, चलो अभी अभी रखना पड़ेगा कैमरा। वेलकम बैक, हम लोग जो है पफ खाने आए, ये इसको पफ बोलते हैं और कुछ स्टेट में इसको पैटी बोलते हैं। ये मतलब आलू और एक बाहर का लेयर होता है क्रंची सा, उसमें इसको खाने में काफ़ी मज़ा आता है और गुजरात के लोग इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। कभी खाना आप लोग, मतलब काफ़ी टेस्टी होता है। तो मैं तो खा रहा हूँ, लेकिन ये देखो मेरे फ्रेंड्स इसको पसंद नहीं है, पर ये भाई साहब को खाना नहीं है। ज़रा बोलेंगे आपको क्यों नहीं खाना? बस भूख नहीं है, थोड़ा थोड़ा। ओके सो मेंटो से चलता है। ओके सो मतलब मैं अकेला ही खा रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, लेट्स एंजॉय, मिलते हैं क्लास में। सो वेलकम बैक, ब्रेक जो अभी ख़त्म हो चुकी है, और जस्ट ब्रेक अभी मतलब कब से ख़त्म हो चुके, लेक्चर भी जो सभी ओवर हो चुके, 3 बज गए हैं। तो बस जो है हमारी 5 बजे आने वाली है, बस का फोटो जो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, बस देख के बताना। तो देखो अभी क्या है, हम लोग जो आए हैं बास्केटबॉल देखने, ये रहा बास्केटबॉल कोर्ट जो आपको दिखाना है जल्दी से। और भाई सर ये है बॉयज़ हॉस्टल यहाँ पे, और जो आगे जो है वो गर्ल्स हॉस्टल है। ये रहा हमारा बास्केटबॉल कोर्ट यहाँ पे, ये पीछे इतना बड़ा जो भी दिख रहा है आपको वो बास्केटबॉल कोर्ट है। यहाँ पे वॉलीबॉल कोर्ट भी है, और यहाँ पे हम लोग खेलते हैं कभी कभी। अभी खाली दिख रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे लोग आ जाएंगे। तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ही खेलता हूँ, जनरली फर्स्ट ईयर वाले खेलते हैं यहाँ पे, हॉस्टल के सामने ही है। सो हॉस्टल वाले भी कभी कभी हमें साथ खेलते हैं, मज़ा आती है यहाँ पे खेलने में। देखो ये दिख रहा है आपको बास्केटबॉल का, यस ये कोर्ट अभी तो लॉक है, उसके लिए खुलने के लिए की सही सिक्योरिटी गार्ड से मांगनी पड़ेगी। तो फिलहाल तो नहीं मांग सकते, लेकिन थोड़ी देर बाद खेलूंगा तो ज़रूर दिखाऊंगा आपको, वरना आने वाले फ्यूचर ब्लॉग में आपको ज़रूर दिखाऊंगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो बास्केटबॉल और वॉलीबॉल दोनों एक साथ खेला जा रहा है, पता नहीं कैसे पर खेल रही है लोग। जैसे कि यहाँ पे बास्केटबॉल चल रहा है अच्छे से, ये सब मेरे फ्रेंड्स है जिनके मैं आपको मिलाया पहले ही, और ये रहा वॉलीबॉल, हम भी कैसे खेल रहे हैं एक साथ। अच्छा अच्छा ओके ओके, बास्केटबॉल जो है हाफ कोर्ट में है ये रहा। तो फिलहाल हम चलते रहे काफ़ी आगे आ गए, ये तो अरे ये तो मैच आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं। हाँ देखो ये जैसे मैं पीछे दिख रही हूँ ना, ये पूरी जो है हॉस्टल है, ये साइड गर्ल्स हॉस्टल है, वहाँ नहीं आ सकते। वो रही वो है ना उस साइड वाली, वो बॉयज़ हॉस्टल है, तो वहाँ पे जाके दिखाऊंगा आपको। मेरा एक फ्रेंड हॉस्टल में ही रहता है, तो वहाँ पे आपको दिखा दूंगा कि हॉस्टल का रूम कैसा दिखता है। हाँ तो वहाँ पे हॉस्टल में बेसिकली 3 लोग रहते हैं, 3 लोग रूम शेयर करने वाले, और एक जो मेरा फ्रेंड है उसने बताया रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, मतलब काफ़ी लोग अच्छे से रहते हैं, भाई भाई जैसे रहते हैं, तो यहाँ पे रहने में उनको मज़ा आती है। हाँ मतलब रूम तो मैं बताऊँगा भी खा लूँगा आपको। और मेरा एक और फ्रेंड है जो मुझसे मोटिवेट होकर वो खुद भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाला है। वाह मतलब हम किसी और को मोटिवेट कर रहे हैं, और जबकि हम खुद किसी और से मोटिवेट होकर स्टार्ट कर रहे हैं, सो इज़न्ट दैट अमेजिंग। ठीक है तो अभी इतना हो गया, अभी मुझे लगता है कि बस आ जाएगी थोड़ी देर में, बस में जाऊंगा, और बस इसी के साथ दिन ख़त्म हो गया, तो व्लॉग ख़त्म हो गया। तो अगर व्लॉग आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना, और बस नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आपको। गुड बाय।